खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं आपके साथ नवीद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 29 जनवरी 2022, उत्तर प्रदेश मेरठ। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ में थी। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने गणमान्य लोगों की बैठक ली तो उनके लिए गली मोहल्ले में पहुंचकर प्रचार भी किया। इस मौके पर उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरठ में बदलाव की राजनीति देखी है, बदले की नहीं। जो लोग कहते हैं कि सरकार आएगी तो चुन चुन कर बदला लेंगे, उनकी सरकार नहीं आने वाली। आपको बता दें, मेरठ कैंट क्षेत्र में एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने कहा कि लोगों ने प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारों को देखा है, सभी को पता है कि उन सरकारों में क्या होता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता फिर से विकास की सरकार बनाएगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराधी सर नहीं उठाएगा, सीधे जेल जाएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण में विश्वास रखती है। धमकी दे रहे हैं, वो किस बात का प्रतीक है? धमकी कौन देता है? मुझे निश्चित रूप से इस बात का कहीं ना कहीं विश्वास है कि चुनाव आयोग इस प्रकार के धमकी भरे शब्दावली के प्रयोग के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरा विश्वास जनता पर भी है जो इस प्रकार से आपराधिक तत्वों को धूल चटाएंगे पोलिंग के दिन। धन्यवाद। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।